नमस्कार दोस्तों, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप घर बैठे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देती है। मतलब यहाँ पे आप घर बैठे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। साथ में गाइस, इस अकाउंट के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप इस अकाउंट को जैसे ही ओपन कीजिएगा इंस्टेंट यहाँ पे एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी मिलती है। और गाइस, यूपीआई की जितने सारी ऐप हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप इन सारी ऐपों का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप किस प्रकार से एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल विशाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है। आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कीजिएगा। और ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग। आप जैसे ही लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी www.unionbankofindia.com/in। सिंपली गाइज, आपको जो है इसी वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, मैं जिस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, सिंपली गाइज आप जो है उस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपकी अकाउंट की कंप्लीट यहाँ पे रेट एंड चार्जेस दिया गया है कि अगर आप जो है मेट्रो सिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आप विदाउट चेकबुक के आपको अपने अकाउंट में ₹500 रखना है। यदि आप जो है चेकबुक इशू करते हैं, यहाँ पे चेकबुक अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है ₹1,000 रखना है। दोस्तों, यदि आप अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको विदाउट चेकबुक का ₹500 मेंटेन करना है। और यहाँ पे दोस्तों, आप अगर चेकबुक अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ₹1,000 यहाँ पे रखना होता है आपको अपने अकाउंट में। दोस्तों, यदि सेमी अर्बन एरिया से है तो वहीं आपको ₹250 रखना है आपको अपने अकाउंट में विदाउट चेकबुक के। और दोस्तों, यदि चेकबुक इशू करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ₹500 आपको अपने अकाउंट में रखना है। उसके बाद से दोस्तों, यदि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ₹100 अपने अकाउंट में रखना है। यदि आप जो है चेकबुक इशू करते हैं तो यहाँ पे ₹250 आपको अपने अकाउंट में रखना है। दोस्तों, ये बेसिक सेविंग अकाउंट है जिसको हमें यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बोल सकते हैं, यानी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ पे सरकारी बैंक की जो चार्जेस होती है उसी को यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। गाइज, आपको जो है इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सिंपली गाइज, यहीं से आपको अपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे गाइज, सबसे पहले आपको जो है स्कीम टाइप का ऑप्शन आता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट, यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट और पेंशन अकाउंट। सिंपली गाइज, आपको जो है इस सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करवाने देना है। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी टाइटल का ऑप्शन आता है। सबसे पहले कि यहाँ पे आप मिस्टर या मिसेज आप जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अपनी टाइटल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फुल नेम फिल करनी है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपनी फादर नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी मदर नेम फिल करना है, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने खाते में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, यानी आप अपने अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को कम्प्लीटली यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से गाइज, यहाँ पे आपको एक पिन नंबर की ऑप्शन आ जाती है। सिंपली गाइज, आप जो है यहाँ पे अपने पिन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपनी अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को फिल करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो है आईडी प्रूफ सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उदय कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। सिंपली गाइज, आप यहाँ पे जो है उदय कार्ड सिलेक्ट करेंगे यानी आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे।
यदि आप जो है अपने आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ नंबर में आपको अपनी आधार कार्ड की नंबर फिल करनी है। दोस्तों ये सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपकी जो भी स्टेट है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है गाइज। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे जो है ब्रांचेज चूज करने की ऑप्शन आती है गाइज। आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी सारी ब्रांचेज होगी यहाँ पे सारी ब्रांचेज मेंशन किया गया है। आप यहां से जिस भी ब्रांचेज में आपको यहां पे अकाउंट ओपन करना है आप यहां से चूज कर सकते हैं। यहां से ब्रांचेज सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन आती है इज रिटायर्ड बीएफएनएल स्टाफ। यदि आप बीएफएनएल की स्टाफ हैं तो यहां पे आप जो है एस करेंगे, वरना इसको नो ही रहने देंगे। गाइस नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको जो है इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही अपनी सारी डिटेल्स फिल करके और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे यूनियन बैंक के द्वारा ओटीपी भेजी जाती है। तो आपकी मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करेंगे और ईमेल आईडी पे जो भी ओटीपी सेंड किया गया है उस ईमेल आईडी को इस बॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको जो है इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अपने मोबाइल और ईमेल को ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अपनी एड्रेस एंड अदर डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रेसिडेंशियल प्रूफ यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही रेसिडेंशियल प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो है आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको उस आधार कार्ड की नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे आपसे जो है कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। सिंपली गाइज आप अपनी हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एरिया का लोकेशन एक बार फिल कर देंगे और यहाँ पे आपकी एरिया की जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे जो है परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। यदि दोस्तों आप अपने यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस जो फिल किए हैं यदि वही आपकी परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे जो है टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे जो है एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे जो है अदर डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो है ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रिलीजन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको अपनी रिलीजन सिलेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों आप किस धर्म से हैं। यदि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या फिर बुद्ध है, जैन है, आप जो भी यहाँ पे धर्म से यहाँ पे बिलोंग करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप जो है उस कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जा रही है, आपकी सलीना इनकम जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जा रही है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर देंगे या फिर आप बिजनेस से जुड़े हैं आप जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। गाइज यहाँ पे आपको नेटवर्थ का एक ऑप्शन आता है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेस देन 10 लाख यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पे आपको जो है प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है। सिंपली गाइज आपको जो है इस पे क्लिक कर किस भी जगह यहाँ पे जन्म हुआ है उस जगह का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है। सिंपली गाइज आपको जो है इस पे क्लिक करके इस पे जो है इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेचुरल ऑफ एक्टिविटी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जो है इस पे क्लिक करके यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप जो भी है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे नॉन हूँ तो नॉन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपको मेरिटियल स्टेटस बताना है कि यदि आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करेंगे, यदि आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखेगा, सिंपली गाइज आपको जो है इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अपनी एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पे नॉमिनिंग डिटेल फिल करने की ऑप्शन आती है। यहाँ पे आपको नॉमिनिंग का नाम फिल करना है। यहाँ पे नॉमिनिंग का नाम फिल करने के बाद अब यहाँ पे आपको नॉमिनिंग के साथ आपकी क्या रिलेशन है उसे यहाँ पे फिल करेंगे। गाइज मेरे केस में मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में नॉमिनिंग नहीं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करते ही यहाँ पे अदर फैसिलिटी की ऑप्शन आती है, यानी आपको अपनी अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी चाहिए उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता है तो मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करूंगा। ATM यानी डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, चेकबुक, यानी मुझे इन सारी चीज़ों की यहाँ पे नीड है तो मैं इन सारी चीज़ों वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों यदि आप
चेकबुक ब्रांच से लेना चाहते हैं तो कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हैं घर पे लेने के लिए तो यहाँ पे डिलीवर होम एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नीचे सेफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली गाइज आपको जो है सेफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे एक थैंक यू का पेज डिस्प्ले होता है। यहाँ पे गाइज आपको जो है ट्रेकर आईडी नंबर दिया गया था, रेफरेंस नंबर जो की है, इस रेफरेंस नंबर को लेकर के आपने जो भी ब्रांचेज सेलेक्ट किया है उस ब्रांचेज का यहाँ पे फुल एड्रेस दिखाया जा रहा है। आप जो है उस ब्रांचेज में विजिट करेंगे और अपना रेफरेंस आईडी नंबर बताएंगे और वहां पे आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक को सबमिट करेंगे और साथ में गाइस दो पासपोर्ट साइज फोटो देंगे और आपको अपनी सिग्नेचर करके आपको अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करानी होगी। गाइस जब आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लेते हैं तब आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद आपके अकाउंट की पासबुक इंस्टेंट मिल जाती है और डेबिट कार्ड चेकबुक आपकी एड्रेस पे यहाँ पे होम डिलीवर्ड कर दी जाती है। गाइस यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पीडीएफ में डाउनलोड होने लगती है। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप अपनी आधार कार्ड पैन कार्ड को ब्रांच में सबमिट करेंगे और आपके अकाउंट की जैसे ही केवाईसी पूरी होती है तो यहाँ पे इंस्टेंट आपकी अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है। और आपकी अकाउंट जब एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप किस प्रकार से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।